नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने लोकल बिटकॉइन डॉट कॉम में आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन करनी है, लॉगिन करने के पश्चात आपको राइट साइड में एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि लोकल बिटकॉइन डॉट कॉम पर अकाउंट कैसे वेरीफाई करें और उसके बाद बिटकॉइन से INR में कन्वर्ट कैसे करें। आपको बाई करना है बिटकॉइन तो आप बाई कर सकते हैं, सेल करना है तो सेल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी क्या है कि इस तरह का वॉलेट राइट साइड में जाकर के एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के जो ऑप्शन है वो सामने आएंगे। तो ऑलरेडी आपने ईमेल वेरीफाई कर चुके हैं आप, उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर चुके हैं आप, ठीक है। थर्ड स्टेप है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो वेरीफाई आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी प्रूफ वेरीफाई करना पड़ेगा, इसके बगैर यहाँ पे आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेरीफाई आइडेंटिटी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दूसरा है सिक्योरिटी सेटिंग। आप अपने अकाउंट में लॉगिन करें और सिक्योर लॉगिन हो, कोई आपके अकाउंट को हैक ना कर पाए, उसके लिए गूगल 2FA सिक्योरिटी सेटिंग है। गूगल ऑथेंटिकेटर आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करता है हर 30 सेकंड में। वो पासवर्ड आप इसमें डालोगे तभी आप अपने अकाउंट में लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हाउ टू वेरीफाई अकाउंट विद आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। तो इस पे वेरीफाई आइडेंटिटी के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार की एक विंडो ओपन होगी। तो इसकी जो गाइडलाइन है उसको हम पढ़ लेते हैं पहले। लोकल बिटकॉइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फर्स्ट इसमें दिया गया है कि आपकी जो पिक्चर है वो हिडन नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आईडी के ऊपर, चाहे आपका पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए। सेकंड है धुंधली पिक्चर नहीं होनी चाहिए। सेकंड है आपकी जो इमेज है आईडी पर, उसके इमेज के ऊपर आपका नाम वाम कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, इमेज के ऊपर यानी कि आपके पिक्चर के ऊपर। थर्ड में इसमें जो आईडी प्रूफ है उसका जो चारों कॉर्नर है वो विजिबल होने चाहिए फोटोग्राफ में, ठीक है, फुल फोटोग्राफ में विजिबल होना चाहिए और आईडी फोटोग्राफ स्ट्रेट होनी चाहिए और कहीं से फटी या कटी नहीं होनी चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है और जो कैमरे का जो फ्लैश होता है, लाइट होती है, वो भी आईडी पर नहीं होनी चाहिए और इमेज है जो आईडी में वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरह की इसके चार से पांच गाइडलाइन है। ये गाइडलाइन आपकी जो आईडी प्रूफ होगा उसमें सही होगा तो ही आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा जब आप अपलोड करेंगे अपना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो स्टार्ट आईडी वेरिफिकेशन, सेंटर में आप देख रहे हैं प्लीज़ हैव योर आईडी रेडी, ठीक है। तो इसमें आपको अपना आईडी वेरिफिकेशन करना है। आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको आधार कार्ड फ्रंट पेज और बैक पेज आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे तो आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी विद इन 5 मिनट, ठीक है। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है आपकी आइडेंटिटी प्रूफ का स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टार्ट बटन को आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आधार कार्ड हो सकता है, वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या पासपोर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे ही आपका यहाँ पे आधार कार्ड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट है सिक्योरिटी सेटिंग उस पर जाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सिक्योरिटी सेटिंग है उस पर आपको जाना है। जैसे आप अकाउंट में लॉगिन करते हो आपका जो अकाउंट है वो कैसे सिक्योर हो, ठीक है। जो रियल नेम है आपको अपना रियल नेम भी यहाँ पे डालना है, रियल नेम इन्फॉर्मेशन जो आपका रियल नेम है वो डालना है आपको। और उसके बाद आप सिक्योरिटी सेटिंग सेट कर सकते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये, जब आप लॉगिन करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर आपको डाउनलोड करना है मोबाइल में, उसके अंदर एक कोड आएगा, वो कोड आप इसके अंदर पुटअप करेंगे तभी आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो पाओगे और वो आपके मोबाइल के अंदर होना चाहिए गूगल ऑथेंटिकेटर। तो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए है दोस्तों, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है अगर आपका अकाउंट हैक नहीं होता है तो, ठीक है। तो टू गूगल ऑथेंटिकेटर की सिक्योरिटी लगने से आपके अकाउंट का हैक होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 99% जो अटैक आते हैं वो इस तरह से आते हैं जिनका अकाउंट सिक्योर नहीं होता। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से आपका अकाउंट हैक बिल्कुल भी नहीं होगा और आप एक सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे कर पाएंगे बिटकॉइन टू INR और INR टू बिटकॉइन, ठीक है। तो आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्लिक करने के लिए अनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में ऊपर, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के पश्चात आपको एक कोड जनरेट होगा, वो कोड आप अपने मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, स्कैन बारकोड जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वो गूगल ऑथेंटिकेटर उसको कोड को इंसर्ट कर लेगा और
6 डिजिट का एक कोड आएगा, वो कोड आपको उसमें डालना है, तो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर 2FA सिक्योरिटी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। जब भी आप लॉगिन करेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर में वो कोड आएगा, वो कोड इसमें डालेंगे, ठीक है। अनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे ये क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आप यहाँ पे सेटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका अकाउंट की जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी हद तक सिक्योर रहेगी 100%। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर में योर अकाउंट सिक्योरिटी लेवल इज़ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अकाउंट की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। उसके पश्चात आपको करना है आपका आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस हम दिखा रहे हैं, इस तरह से आपका जो डॉक्यूमेंट वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद इस तरह का मैसेज जो आपकी स्क्रीन है उस पर आप देख रहे हैं, यू हैव बीन सक्सेसफुल्ली आइडेंटिफाइड, ओके, लोकल बिटकॉइन आइडेंटिटी वेरीफिकेशन आपका हो चुका है यहाँ पे। इसके पश्चात आपका आईडी वेरीफाई हो चुका है तो आप अपना बिटकॉइन यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, उसको सेल कर सकते हैं यहाँ पे आपका BTC जो वॉलेट आप ऊपर देख रहे हैं। और इस तरह से एक मैसेज आएगा आपको, योर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। वेरीफिकेशन होने के पश्चात आप अपना बिटकॉइन यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब जो वॉलेट है, वॉलेट का एड्रेस है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, रिसीविंग बिटकॉइन एड्रेस, अगर आपको बिटकॉइन आपको लेना है तो उसका एड्रेस आपको अपडेट करना पड़ेगा, अमाउंट, जो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में डालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके पश्चात अगर आपको बिटकॉइन बाई करना है INR से, तो वो कैसे बाई करें उसके ऊपर अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो जैसा कि आपके जो भी सारी चीज़ें वेरिफिकेशन हो चुकी है, सिक्योरिटी लग चुकी है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी यहाँ पे हो चुकी है, और रियल नेम आपने अपना यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, और जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, इसके पश्चात आपको बिटकॉइन बाई करना है या INR से बिटकॉइन बाई करना है, या बिटकॉइन को आपको सेल करके INR चाहिए, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हम आप अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आपका अकाउंट फुल्ली वेरीफाई होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप बिटकॉइन से INR से बिटकॉइन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आपका जो ID प्रूफ है वो भी सही नहीं है तो भी आपका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो सकता है, और एक यूज़र एक बार में ही अकाउंट बना सकता है यहाँ पे। अब आता है ट्रेडिंग का, कि आपको बिटकॉइन बाई करना है या बिटकॉइन ख़रीदना है, तो अमाउंट जैसे हम इसमें लिख रहे हैं 20,000, आपको करेंसी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे INR सेलेक्ट हो रखा है, इंडियन रुपीज़, और कंट्री इंडिया, और इस पर सर्च पर क्लिक करना है आपको राइट साइड में। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो जो इंडियन कंट्री है उसमें कितने लोग INR टू बिटकॉइन, बिटकॉइन टू INR ट्रेड कर रहे हैं इसमें, उसका आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन देख रहे हैं आप, ये सब ऑनलाइन है यहाँ पे, और इनके आगे 100% जो देख रहे हैं ये 100% ट्रस्टेड सेलर हैं, जो कि बिटकॉइन खरीदते हैं बेचते हैं। और राइट साइड में इन जो बिटकॉइन का जो मिनिमम अमाउंट है, सबसे कम रेट, वहाँ पर आपको देखना है, और उसके राइट साइड में इनकी रेंज है, जिस रेंज में आपको बाई करना है उसमें जो भी सबसे कम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं राइट साइड में बाई पे क्लिक करके, ठीक है। इस तरह से जो रेंज है आपकी इसमें फॉल कर रही, तो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ बाई पे। जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर जो ये ट्रेडर है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, BTC ट्रेडर 786 है, प्राइस इसका ये लगेगा, और यूज़र ID इसका जैसे देख रखे हैं ये ग्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ऑनलाइन है अभी, और ट्रेड लिमिट 20,000 से 50,000 के आसपास इसने दिखा रखा है यहाँ पे, लोकेशन इंडिया, और पेमेंट विंडो 1 घंटे 30 मिनट में यहाँ पे आपका सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको INR डालना है, और 20,000 का जो आज की डेट है उसमें BTC बनता है 0.041899, और ये जो मैसेज बॉक्स है यहीं पे आपको लिखना है आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखना है। राइट साइड पे जो सेलर है उसकी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, इसके जो गाइडलाइन है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो आपको पढ़ना है यहाँ पे। जो भी मैसेज है वो राइट साइड में रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे। डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़ लीजिए यहाँ पे, डिस्क्लेमर में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे जो सेंड ट्रेड रिक्वेस्ट, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये मैसेज उसके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो माय नेम, आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं इसमें, ठीक है, आप अपना अकाउंट नंबर उसको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे जो आप जिससे बाई कर रहे हैं डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। और आपको अगर बिटकॉइन खरीदना है तो आपको अपनी डिटेल देनी होगी, अगर बेचना है तो भी प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आप मैसेज यहाँ पे इस मैसेज बॉक्स में जो भी आप मैसेज डालोगे वो सभी मैसेज आपका जो बायर है जिससे आप बिटकॉइन बाई कर रहे हो उसके पास ये
इमिडिएटली पहुंच जाएगा, और राइट साइड में जो मैसेज देख रहे हैं इस तरह से आपका वहां से कम्युनिकेट उससे हो जाएगा। वहां पे कंफर्म आपको लास्ट में करना पड़ेगा कि आपने पेमेंट डिपॉजिट कर दी, यहां पे लिखना पड़ेगा डन, पेमेंट डन। वो आपको एक अकाउंट नंबर देगा, कॉल भी कर सकता है आपको, जो भी आप अपने किसी भी व्यक्ति से यहाँ पे बाई कर रहे हैं इस मैसेज इस चैट बॉक्स के थ्रू आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ओनली ये एक माध्यम है बात करने का, अगर आपको बिटकॉइन सेल करना है तो भी इसी चैट के माध्यम से आप अपने दूसरे किसी व्यक्ति को आप बाई सेल कर सकते हैं बिटकॉइन, ठीक है। तो इस तरह से जो आप इसकी गाइडलाइन है राइट साइड में जो है कंप्लीट, ये आप पूरा पढ़ लीजिए। जिस बंदे से आप बिटकॉइन बाई कर रहे हैं ये उसने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। पेमेंट शुड बी पेमेंट थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, और पेमेंट शुड बी 5 to 20 or 30 minutes के अंदर आपको पेमेंट उसको करनी है, उसके बाद उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक बिटकॉइन डिडक्ट होकर के आपके अकाउंट में आ जाएगा। और ये जो डिस्क्लेमर है इसको आप पढ़ लेना जो लास्ट में है, ठीक है। तो सेंड ट्रेड रिक्वेस्ट जैसे करेंगे यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे अपनी तरफ से, आपके पास उसका जो रिप्लाई है वो इमीडिएट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और वो आपको कॉन्टैक्ट भी कर सकता है मोबाइल के माध्यम से अगर आप उससे बात करना चाहें। और जो वेबसाइट है वो एक मीडिएटर है यहाँ पे, सिर्फ आपके अकाउंट में इसको डिपॉजिट करना है। अगर आपके पास INR है तो ये आपका INR कन्फर्म कर लेगी, और INR कन्फर्म करने के पश्चात आपको BTC आपके अकाउंट में आ जाएगा जो आपका पर्टिकुलरली एड्रेस है, ठीक है। और लोकल बिटकॉइन की ये कुछ गाइडलाइन है जैसे कि नीचे देख रहे हैं आप, इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो मिनिमम बिटकॉइन है और वो जो लोकल बिटकॉइन के द्वारा जो भी रिक्वेस्ट आपने जो डाला गया है और जो सेलर है वो रिलीज तभी करेगा जब उसके अकाउंट में हो जाएगा कंफर्म आपका INR। और 0.1 BTC आप यहाँ पे इनिशियल ट्रेड कर सकते हैं, 0.1 BTC से जब आप ट्रस्टेड सेलर की लिस्ट में आ जाएंगे, 100% ट्रस्टेड हो जाएगा इस साइट को, तब आप बाई और सेल ज़्यादा वॉल्यूम में कर सकते हैं। तो इस प्रकार की गाइडलाइन है, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम बता चुके हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ आपके क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए, वी विल रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहिए आप, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको टाइम टू टाइम हम सारी इन्फॉर्मेशनें देते रहेंगे। और कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।